वहीं हरदा जिले के टिमरानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय शाह के पक्ष में बुधवार को चुनावी जनसभा को सीएम शिवराज ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कहा कि यहां चुनाव संजय शाह नहीं, वो खुद लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी संजय शाह किसी लेन देन नहीं है, बल्कि शांत रहकर क्षेत्र के विकास में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि संजय शाह के प्रयास से ही खिलारी और रहट गांव को नगर परिषद का दर्जा मिला है। सभा के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बहनों को जीवन में बदलाव लाने और उनके परिवार उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है। डॉक्टर सीतासरण शर्मा अनुभव की भट्टी में पके बहुत हमारे संस्कारित और कार्यकर्ता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ विकास की नई गंगा उन्होंने बहाई है और इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अवसर प्रदान किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि दोनों चीजें, एक विकास, कांग्रेस ने क्या किया, 1.25 साल में एक पत्थर नहीं लगाए नर्मदापुरम में, एक पत्थर नहीं लगाए, कोई नई योजनाएं नहीं। और जितनी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं थी, चाहे वो कन्या विवाह हो बंदकी कमलनाथ जी ने, चाहे संबल हो बंदकी, तीर्थ दर्शन बंदकी, बच्चों को लैपटॉप बंद किए, बेगा भारिया सहरिया बहनों को अनुदान वो बंद किया, जितनी योजनाएं थी उन सब पे भी ताला डाल के बैठ गए थे कमलनाथ।